अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अनुमान खोखर यूट्यूब चैनल। सिग्मा मोटर स्पोर्ट्स कलमा चौक लाहौर में हैं हम। आज एलिगेटर 250 का रिव्यू करेंगे। मेरे साथ हैं अवैध शाह साहब, ये हमें इस बाइक की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताएंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। शाह जी ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसे? शुक्र है अल्लाह का। इस बाइक के बारे में बताएं। सर ये सबसे मोस्ट फेवरेट सिग्मा का बाइक है, इसका नाम है एलिगेटर और ये है 250 cc और EFI में है ये। अब मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ कि इस बाइक में क्या क्या हमें इस सर्टेन प्राइस में ऑफर करता है। एक तो ये बता दिया मैंने आपको कि ये 250 cc है। दूसरा ये, अभी मैं बात स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ, तो इसमें हमें इन्वर्टेड सस्पेंशन मिलते हैं और कुछ हद तक ट्रेलिस फ्रेम मिलता है। ट्रेलिस फ्रेम का फ़ायदा में ये होता है कि हमें रिजिडिटी बहुत अच्छी मिल जाती है, वाइब्रेशन डैम्पिंग काफ़ी हद तक बेहतर होती है क्योंकि वेट ऐड हो जाता है। दो एक डिसएडवांटेज ये है कि बाइक का ओवरऑल वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, पर इट्स एडवांटेज कि हमें वाइब्रेशन कम मिल जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी इंजन की। इसका इंजन कंपनी है एक अमेरिकन सोकॉन कंपनी। ये बाइक वैसे जोंटस कंपनी का है और जोंटस कंपनी है वो सोकॉन का इंजन यूज़ करती है। डुअल सिलेंडर में ही आता है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये 8 वाल्व है। इसकी पावर आउट मैच्ड है किसी भी बाइक से जो हम लोग नॉर्मली यहाँ इंपोर्ट करते हैं 4 वाल्व के। इसमें ये बाइक EFI है, ये इसलिए भी फेवरेट है और डिस्टिंग्विश करता है क्योंकि जो इसका ECU है वो डेल्फी नहीं है, वो बॉश है। नॉर्मली बाइक के अंदर डेल्फी आता है पर जोंटस कंपनी जो है या जो सोकॉन कंपनी है वो बॉश प्रेफर करती है, वो बॉश ही इंस्टॉल करके बेचती है। तो प्रिसीजन एक्यूरेसी बहुत इसकी आउटस्टैंडिंग है, आप इसको नहीं डिफाइन कर सकते वर्ड्स में। फिर दूसरा ये कि जो इसकी थ्रॉटल डिलीवरी है, जिसकी थ्रॉटल डिलीवरी है वो बहुत बेहतरीन है। इसका थ्रस्ट बहुत अच्छा मज़ेदार, आपको थ्रिल पूरा एक सुपर बाइक का थ्रिल देता है आपको कि बाइक रुकता नहीं है, RPM अपने तोड़ता नहीं है, उसकी RPM से उठाता है बाइक, और बहुत मज़ेदार बाइक है, रिस्पॉन्सिव बहुत अच्छा है। दो एडवांटेज भी है कि EFI के रिस्पॉन्सिव है। अच्छा अब हम इसकी बात कर लेते हैं टायर्स की। टायर्स इसका आते हैं 140 ट्रेड, इसके बहुत अच्छे हैं, ट्रैक्शन लूज नहीं करता कि भी बाइक। अब नॉर्मल में तो हर बाइक ही करता है, पर अगर आप उसको नॉर्मल कंडीशन में चला रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लीन करके थ्रॉटल फुल नहीं खोल रहे, आपको ट्रैक्शन लूज़ नहीं करेगा। वेट कंडीशन में बाइक बहुत अच्छा बिहेव करता है, ट्रैक्शन लूज़ नहीं करता, और सबसे ज़्यादा फड्डा ही आपको वेट कंडीशन के अंदर आ रहा है। अब मैं थोड़ी सी बाइक भगाई और पीछे से टायर स्लिप करना शुरू हो गया, अगर पावर एक्सेसिव है। अब बाइक भगा ली, रोकने की बारी आती है, तो इसमें जो हमें ब्रेक्स ऑफर करता है वही सेम है जी, डुअल डिस्क आगे है फ्रंट पे और सिंगल डिस्क रियर है। ब्रेकिंग इसकी कंफर्टेबली बहुत अच्छी है, इन्वर्टेड सस्पेंशन है तो जो आपको जर्क डैम्प है वो भी आपको बहुत अच्छा हद तक मिल जाता है। हम अब बात कर लेते हैं इसकी लाइट्स की। हमें वही सेम चीज़ ऑफर होती है DRL पर, इसलिए DRL से वो बहुत एक आपको बहुत अच्छा लुक देता है। ये DRL है इसकी और ये इसकी नॉर्मल बीम है। सबसे अच्छी बात ये है कि इनका ग्लेयर नहीं पड़ता, आप इसके हाई बीम चला लें आपको आंखों में ग्लेयर नहीं पड़ेगा जो नॉर्मली हमें जैपनीज कार्स में मिलता है। बाकी इसका मैं आपको साउंड नोट सुना देता हूँ कि इसका साउंड नोट कैसा आएगा। मैं आपको इसका बाइक स्टार्ट करके सुनाता हूँ। ये इसका साउंड नोट है और ये फुल स्टॉक में, और सबसे अच्छी बात ये है कि जो ये स्टॉक इसका एग्जॉस्ट आता है वो कैटलेटिक कन्वर्टर के साथ आता है, तो इसकी जो कार्बन एमिशन है वो बहुत अच्छी है। और साउंड नोट का आपको अंदाजा होगा अगर इसकी पावर कितनी ज़्यादा होगी जिस तरह का रोर आ रहा है। सिग्मा मोटर स्पोर्ट्स कलमा चौक लाहौर में थे हम, रिव्यू किया, अवैध शाह साहब ने हमें इसके बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल अनुमान खोखर सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और बेल का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।